हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एडुकेटिव। माय नेम इज संजय कुमारी। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की अच्छी तरह से स्टडी कर ली है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज पिछली वीडियो जरूर देखें। और इस वीडियो में हम लोग पित्त के बारे में स्टडी करने वाले हैं। क्या आपने सोचा है कभी कि हम जो खाना खाते हैं वो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं और वह हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो वह किस फॉर्म में डाइजेस्ट कर पाता है? वह सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्ट कर पाता है। यह जो हमारा पित्त है वही फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। साइंस की वह ब्रांच जिसमें पित्त की स्टडी की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी में पित्त के स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड एबनॉर्मेलिटीज के बारे में स्टडी की जाती है, और इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं यानी जो डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें डेंटिस्ट कहते हैं। पित्त क्या है? अ टूथ इज अ हार्ड कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन द जॉज ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स। टूथ क्या है? कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर है जो मेनी वर्टिब्रेट्स के जॉज में पाए जाते हैं। टीथ अपर एंड लोअर जॉ में पाए जाते हैं। अपर जॉ को मैक्सिला कहते हैं, लोअर जॉ को मैंडिबल कहते हैं। अपर जॉ मूवेबल नहीं होती है लेकिन लोअर जॉ मूवेबल होती है। टीथ की फंक्शन क्या है? ब्रेक डाउन एंड टियरिंग ऑफ फूड। टीथ क्या करती है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करती है? फिजिकल ब्रेक डाउन करके। तो यह क्या करती है? फिजिकल ब्रेकडाउन एंड टियरिंग ऑफ फूड। स्पेशली कार्निवोरस एनिमल्स में टीथ जो है वह टियरिंग का काम भी करते हैं। कैप्चरिंग प्रे, या प्रे को कैप्चर करने में यानी शिकार को पकड़ने में भी मदद करती है। एंड डिफेंसिव पर्पसेस, जब दो जीव आपस में भिड़ंत कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होती है? टीथ जो है वह डिफेंसिव ऑर्गन की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं। कैरी देयर यंग एंड हेल्प इन स्पीकिंग ऑल्सो। एनिमल्स में टीथ क्या करते हैं? बेबी को कैरी करने में भी हेल्प करते हैं एंड स्पीकिंग में भी हेल्प करते हैं। अब जैसे आपने देखा हो कि बुजुर्गों में जो आवाज होती है वो स्पष्ट नहीं निकलती, क्यों? क्योंकि उनके टीथ टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वह जब बोलते हैं तो आवाज में लड़खड़ाहट होती है और उनकी आवाज स्पष्ट नहीं निकलती है। टीथ आर मेड अप ऑफ हार्ड टिश्यू। टीथ जो है हार्ड टिश्यू की बनी होती है। टीथ हार्ड है पर बोन नहीं है, ये हम याद रखेंगे कि यह क्या है? यह हार्ड टिश्यू है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। हमारे बॉडी के अंदर 3 जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो टीथ जो है वह एक्टो मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होती है। अब हम लोग स्टडी करेंगे टाइप ऑफ टीथ। टीथ कितने प्रकार के होते हैं? जो मेजर टाइप के टीथ हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। नंबर 1 इज होमोडोंट। होमोडोंट किसे कहते हैं? ऑल द टीथ आर सेम टाइप। होमोडोंट में क्या होता है कि सारे टीथ एक ही प्रकार के होते हैं, और इसके एग्जाम्पल से पाइसिस, एम्फीबियन एंड रिप्टाइल्स। एंड सेकेंड वन इज हेटरोडोंट। हेटरोडोंट एवेसिव जीव होते हैं जिनमें कई प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, और इसके एग्जाम्पल है ह्यूमन। ह्यूमन में किस प्रकार के टीथ पाए जाते हैं? 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर को नोज टीथ कहते हैं क्योंकि यह बिल्कुल नाक के नीचे पाई जाती है, और कैनाइन को आई टीथ कहते हैं। प्रीमोलर को चिक टीथ कहते हैं क्योंकि ये साइड में पाए जाते हैं, और मोलर को विजडम टीथ कहते हैं। हिंदी में विजडम टीथ को अकल चौवा भी कहते हैं। यह 20 से 25 वर्ष की आयु में आती है। ह्यूमन में 2 प्रकार के टीथ होते हैं। एक तो होते हैं मिल्क टीथ, जो कि बच्चों में 6 महीने के बाद आना शुरू होते हैं और लगभग 2 साल तक आते रहते हैं, और एक होते हैं परमानेंट टीथ। तो हम इन दोनों का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। एडल्ट की डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2-1-2-3/2-1-2-3। इसमें इंसाइजर कितने हैं? 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर कितने हैं? 2 और मोलर 3 है। इस डेंटल फॉर्मूला को हम किस प्रकार से समझेंगे? मान लो ये अपर जॉ है, ठीक है, तो हम अपर जॉ का, जैसे ये अपर जॉ है तो अपर जॉ का आधा पोर्शन समझेंगे, ठीक है, फिर उसको डबल कर देंगे तो अपर जॉ की निकल जाएगी कितनी टीथ होती है। फिर लोअर जॉ में भी उसी तरह से है कि आधा का ही समझेंगे, इतने पोर्शन का समझेंगे और उसको डबल कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1/4 समझ लेते हैं, उसके बाद उसे अपर जॉ के लिए डबल कर देंगे और लोअर जॉ के लिए डबल कर देंगे। तो 1/4 किस तरह से समझेंगे? मान लो ये अपर जॉ है तो मैंने इसे क्या किया, 20 से एक लाइन खींच दी। तो अब जो है अपर जॉ की जो हाफ पोर्शन है टीथ की वह निकल आएगी। तो यह क्या है, अपर जॉ की हाफ पोर्शन मैंने निकाली। तो अब इसे इस फॉर्मूला में फिट करते हैं। तो मैंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इंसाइजर इज 2 इन नंबर्स। तो देखते हैं इंसाइजर कितने हैं। यह जो दोनों है इंसाइजर, यह 2 इन नंबर्स है, 1 एंड 2। कैनाइन कितने हैं? मैंने
मैंने क्या किया है, डिफरेंट कलर से बना दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने रेड कलर से क्या किया, इंसाइजर को बना दिया, और ग्रीन से मैंने कैनाइन को बना दिया। तो कैनाइन कितने हैं, कैनाइन वन है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ग्रीन कलर की वन टूथ दिख रही है। फिर क्या है, प्रीमोलर्स टू है, तो प्रीमोलर्स मैंने ब्लैक से बनाया। तो ये कितने हो गए, वन एंड टू, टू इन नंबर से, एंड मोलर कितने हैं, थ्री। तो वन टू एंड थ्री ब्लू से मैंने बनाया है। तो कितने दिख रहे हैं मोलर, मोलर थ्री दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपर जो कि हाफ पोर्शन निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से, या जो फॉर्मूला है अपर जो कि हाफ पोर्शन, इसको डबल कर देंगे हम, ठीक है। फिर यह लोअर जो है, तो लोअर जो को भी हम लोगों ने डबल कर दिया। कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो हमें पता चल जाती है कि इंसीजर कितने हैं, कैनाइन कितने हैं, प्री मोलर्स एंड मोलर्स कितने हैं। तो इस तरह से हम देख लेते हैं, इंसाइजर कितने हैं, फोर इंटू टू, दैट मीन्स एट है। तो एट किस प्रकार से, टू इस तरफ के और टू इस तरफ के, यानी कंप्लीट अपर जो में कितने इंसाइजर होंगे, फोर होंगे। यहाँ जो आगे है, जो क्या काम करते हैं इंसाइजर, बाइटिंग एंड कटिंग का काम करते हैं। तो यह कितने होंगे, फोर। और हमें लोअर जॉ की भी निकालनी है, तो फोर इंटू टू कर देंगे। तो एक निकल आए फोर इंटू टू, अपर जॉ की फोर है, लोअर जॉ की भी फोर, तो फोर इंटू टू एट। अब कैनाइन देख लेते हैं, कैनाइन अपर जॉ में वन इस साइड है, वन इस साइड है, टू है। तो अब लोअर जॉ की भी निकाली है, तो टू इंटू टू, दैट मीन्स फोर कैनाइन है। उसी तरह से प्रीमोलर देख लेते हैं, प्रीमोलर कितने हैं, टू इस साइड के और टू इस साइड के। तो कितने हो गए, फोर हो गए अपर जॉ में, तो लोअर जॉ में भी फोर होंगे, दैट मीन्स फोर इंटू टू एट हो जाएंगे, ठीक है। तो एट हो गए प्री मोलर। मोलर कितने हैं, थ्री इस साइड के और थ्री इस साइड के, थ्री एंड थ्री मिलकर सिक्स हो गए, सिक्स हो गए अपर जॉ के, तो सिक्स लोअर जॉ में भी है, तो सिक्स इंटू टू ट्वेल्व हो जाएंगे, सिक्स इंटू टू ट्वेल्व हो गए। तो मोलर कितने हो गए, ट्वेल्व हो गए। तो इसी प्रकार से हम डेंटल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टीथ निकाल लेते हैं कि कितने टीथ पाए जाते हैं किसी जीव में। अब हम लोग चाइल्ड में देखते हैं, चाइल्ड की डेंटल फॉर्मूला क्या है, 2102/2102। यहाँ पर इंसाइजर कितने हैं, टू, कैनाइन वन, प्री मोलर यहाँ पर एब्सेंट होती है। बच्चों में देखते हैं ना कि बच्चे जब हंसते हैं बड़े क्यूट से लगते हैं, उनकी ये यहाँ पे एक खिड़की सी बन जाती है, क्योंकि उनमें प्री मोलर्स नहीं होते। मोलर भी कितने होते हैं, टू होते हैं। उनमें जो विजडम टीथ है वह एब्सेंट होती है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि विजडम टीथ 20 के बाद ही निकलते हैं बच्चों में। या विजडम टीथ यानी कि थर्ड मोलर, यह भी एब्सेंट होती है। तो मोलर बच्चों में कितनी हो जाती है, मोलर टू हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि चाइल्ड में जो मिल्क टीथ होते हैं वो किस तरह से होते हैं, इंसाइजर टू होते हैं, कैनाइन वन होते हैं, प्री मोलर एब्सेंट होते हैं, और मोलर उनमें दो ही होते हैं, क्योंकि थर्ड मोलर जो है विजडम टीथ वह नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि हेटेरोडॉन टीथ किस प्रकार के होते हैं, उनके फंक्शन क्या है, इंसाइजर क्या करते हैं, इंसाइजर बाइटिंग एंड कटिंग में हेल्प करते हैं, कैनाइन कैनाइन टीयरिंग में मदद करते हैं। उसके बाद प्री मोलर एंड मोलर क्या करते हैं, वो भोजन को ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग में मदद करते हैं। नंबर थर्ड इज मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट वैसे जीव हैं जिनके पूरे लाइफ टाइम में दांत सिर्फ एक ही बार निकलते हैं, और इसके एग्जाम्पल है कंगारू। कंगारू के पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही दांत निकलती है। नेक्स्ट वन इज डायफायोडोंट। डायफायोडोंट ऐसे जीव हैं जिनमें पूरे लाइफ टाइम में दो बार दांत निकलती है, और इसके एग्जाम्पल है ह्यूमन। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ह्यूमन बींग में क्या होती है कि दो बार दांत निकलती है, एक बार बचपन में मिल्क टीथ, जिसे डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं, और ये 20 नंबर्स होते हैं। और डेंटल फॉर्मूला हमने सीख लिया है 2102। इसमें मैंने बताया था कि प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं और मोलर में थर्ड मोलर एब्सेंट होते हैं, यानी कि बच्चों में विजडम टीथ नहीं होती है। परमानेंट टीथ हमने जान लिया, इसकी डेंटल फॉर्मूला है 2123। नंबर 5 इज पॉलीफायोडोंट। मोर देन टू सेट्स ऑफ टीथ इन लाइफ टाइम। पॉलीफायोडोंट वैसे जीव हैं जिनकी लाइफ में कई बार टीथ आते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, और इसके एग्जाम्पल है फ्रॉग, लिजर्ड एंड सांप। जब यह प्रे को कैच करते हैं, उन्हें खाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि इनके टीथ झड़ जाते हैं और फिर वह वापस भी आ जाते हैं। नेक्स्ट इज थीकोडोंट। टीथ फाउंड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। टीथ जो है थीकोडोंट में क्या होता है कि टीथ जो है सॉकेट में पाए जाते हैं, यानी ग्रूव यानी गड्ढे में पाए जाते हैं। जैसे आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि यह जो टीथ है, टीथ एक सॉकेट में है, ग्रूव में है,
जैसे हम देख पा रहे हैं कि टीथ जो है वह इस प्रकार से है ना, और यह क्या है, एक सॉकेट में। जब इस प्रकार से कोई टीथ एक सॉकेट के अंदर बंद हो तो उसे क्या कहते हैं, थीकोडोन टीथ कहते हैं। और इस प्रकार की टीथ किसमें होती है, क्रोकोडाइल एंड ह्यूमन में होती है। नेक्स्ट इज एक्रोडोन टीथ, टीथ अटैच टू द बाइटिंग एज ऑफ द जॉ विदाउट सॉकेट्स। सॉकेट्स के अंदर टीथ प्रेजेंट थे वैसा यहाँ पर नहीं है। उसके एग्जाम्पल है फ्रॉग, लिजर्ड एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज प्यूरोडोंट, टीथ अटैच टू द साइड्स ऑफ द मैंडिबल विदाउट सॉकेट्स। इनमें टीथ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंडिबल के साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं और इनमें भी सॉकेट नहीं पाए जाते हैं, और इसके एग्जाम्पल है लिजर्ड। तो इस प्रकार से हमने डिफरेंट मेजर टाइप्स ऑफ टीथ की स्टडी कर ली है, और अब हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। अब हम लोग टीथ की स्ट्रक्चर देखेंगे। टीथ इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। अपर विजिबल पोर्शन इज कॉल्ड क्राउन, दिस इज क्राउन, एंड मिडिल पोर्शन इज नेक, एंड द इनर पोर्शन दैट इज अनसीन इज कॉल्ड रूट। अपर पोर्शन इज कॉल्ड क्राउन, क्राउन इज द विजिबल पार्ट एज इट प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ द गम। गम के ऊपर जो विजिबल पार्ट है जिसे हम देख पाते हैं उस पोर्शन को क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं, दिस इज क्राउन। सेकेंड वन इज नेक, नेक जो है वो मिडिल पार्ट होती है, यूजुअली कवर्ड बाय गम्स, यह गम के द्वारा कवर होती है। सॉफ्ट टिश्यू, गम क्या है, सॉफ्ट टिश्यू इन द माउथ बट इट इज हार्ड टाइटली बाउंडेड विद बोन। गम क्या है, हमारे माउथ में प्रेजेंट सॉफ्ट टिश्यू है लेकिन यह हार्ड होती है और यह बोन के साथ टाइटली बाउंडेड होती है। गम को जिंजीबा भी कहते हैं। द रूट इज द अनसीन पोर्शन दैट सपोर्ट्स एंड फास्टेंस द टूथ इन द जॉ बोन। रूट क्या है, दिस पोर्शन इज रूट, अनसीन पोर्शन है जिसे हम देख नहीं पाते, जिसे हम देख पाते हैं वह क्राउन है, और जिसे हम देख नहीं पाते वह क्या है, रूट है। यह रूट क्या करती है, दांतों को सपोर्ट करती है और जॉ बोन के साथ सुदृढ़ता के साथ दांतों को अटैच रखती है। नेक्स्ट इज इनामेल, एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, इस पोर्शन को इनामेल कहते हैं। यह व्हाइटिश ब्लू कलर की स्ट्रक्चर है जो कि एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है। हमारे बॉडी में जो थ्री जर्म लेयर्स होते हैं उसमें जो एक्टोडर्म है यह एक्टोडर्म की बनी हुई होती है, कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, यह कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन की बनी होती है जो कि क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल, जो कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से इनामेल जो है वह बहुत हार्ड हो जाती है और यह ट्रू क्रिस्टल नहीं है, इसमें स्ट्रॉन्शियम मैग्नीशियम फ्लोराइड के क्रिस्टल्स भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आउटर मोस्ट सब्सटेंस ऑफ द टीथ, यह टीथ की आउटर मोस्ट सब्सटेंस है, यह क्राउन के ऊपर एक लेयर का काम करती है, यह प्रोटेक्टिव लेयर है। नेक्स्ट पॉइंट इज होली इनऑर्गेनिक एंड इज द हार्डेस्ट टिश्यू इन द बॉडी, यह इनामेल जो है यह पूरी तरह से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बनी होती है, इसमें 96% तक इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं और यह हमारे बॉडी की सबसे हार्डेस्ट टिश्यू है। अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाए हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी That is called enamel, secreted by amyloblast. यह amyloblast के द्वारा secrete किए जाते हैं. This is very important. Next is forms insulating barrier that protects the tooth from physical, thermal and chemical forces. यह enamel क्या करती है? एक insulating barrier का काम करती है जो कि physical, thermal and chemical forces से बचाती है। यह dentine तथा pulp cavities को protect करती है ताकि किसी भी प्रकार की injuries ना हो। enamel जो कि हमारे दांतों के लिए protective layer का काम करती है, अगर हमारे food में acid की मात्रा ज़्यादा हो तो इस protective layer को हानि पहुँचती है, इसलिए हमें अपने food में acid की मात्रा कम से कम रखनी चाहिए। Next is dentine, forms main part of the teeth. डेंटाइन टीथ का मेन भाग बनाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दिस इज डेंटाइन, और यह क्या कर रही है, टीथ का मेन पार्ट बना रही है। रिप्रेजेंट स्केलेटन ऑफ द टूथ, यह क्या कर रही है, यह बोन के स्केलेटन को रिप्रेजेंट करती है। यह डेंटाइन जो है टीथ के लिए आधारभूत संरचना है जिस पर टीथ की पूरी स्ट्रक्चर टिकी हुई है। नेक्स्ट इट कंसिस्ट ऑफ 62-69% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यह डेंटाइन जो है 62-69% तक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बनी होती है, जैसा कि हमने इनामेल में भी देखा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बने हुए थे। सेक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, यह ओडोंटोब्लास्ट सेल क्या है, डेंटाइन जो है वो ओडोंटोब्लास्ट सेल के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। दिस इज अनदर एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिस तरह से हमने देखा कि इनामेल एमिनोब्लास्ट सेल से सेक्रेट हो रहे हैं उसी तरह से डेंटाइन क्या है,
ओडोन्टोब्लास्ट सेल से सेपरेट हो रहा है। ओडोन्टोब्लास्ट क्या है? हाईली स्पेशलाइज्ड टॉल कोलिनियर सेल्स लोकेटेड एट द पेरिफेरी ऑफ द डेंटल पल्प। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह पल्प कैविटी है ना, पल्प कैविटी के चारों ओर इसके पेरिफेरी के अराउंड हाईली स्पेशलाइज्ड टॉल कोलिनियर सेल्स। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि क्या है, टॉल कोलिनियर सेल्स है, यह एक ट्यूब्यूल्स जैसी रचना है। व्हेन डेंटाइन लॉसेस इट्स प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट इज एनामेल कॉजिंग सेंसिटिविटी। इसका क्या मतलब है, यह डेंटाइन है ना, डेंटाइन के ऊपर की जो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है एनामेल, यह अगर नष्ट हो जाए और उस स्थिति में हम अगर कोई बहुत गर्म चीजें जैसे चाय कॉफी लेते हैं या फिर ठंडी चीजें लेते हैं जैसे आइसक्रीम खा लिया, तो उस स्थिति में क्या होती है कि यह जो ट्यूब्यूल्स हैं यह नर्व्स को स्टिमुलेट कर देते हैं, इसके कारण दांतों में झंझनाहट सी होती है, तो यह इसी डेंटाइन की वजह से होती है। यानी जो संवेदनाएं हैं वह नर्व्स के द्वारा दांतों में पहुंच जाती है, जिसके कारण दांतों में झंझनाहट होती है। डेंटाइन के जो सेल्स होते हैं वो रीजेनरेबल होते हैं, जबकि एनामेल के सेल्स को रीजेनरेट नहीं किया जा सकता। पल्प कैविटी प्रेजेंट इंटरनली एंड लाइन बाय ओडोन्टोब्लास्ट। पल्प कैविटी कहाँ होती है, यह जो डेंटाइन है इसके बीच में हॉलो कैविटी होती है, यह हॉलो कैविटी है, यही क्या है पल्प कैविटी है, और यह लाइन होती है, किसके द्वारा लाइन होती है, ओडोन्टोब्लास्ट सेल के द्वारा लाइन होती है, और यह ओडोन्टोब्लास्ट सेल ही डेंटाइन की सेक्रेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टेंट सेंसरी एंडिंग ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। इस पल्प कैविटी में क्या क्या होती है, नर्व्स होती है और ब्लड वेसल्स होते हैं। नेसेसरी फॉर द न्यूट्रिशन एंड सर्वाइवल ऑफ द टीथ। यह पल्प कैविटी जो है यह टीथ में न्यूट्रिशन की सप्लाई करती है, इसलिए यह क्या है सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। यह और क्या क्या करती है, यह इसमें जो ब्लड वेसल्स है वह क्या करते हैं, पल्प न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है दांतों को, ऑक्सीजन को अंदर ले जाती है, CO2 को बाहर ले आती है, और जो इम्पल्सिस हैं उन्हें भी अंदर ले जाती है। अगर हम दांतों में पेन फील करते हैं तो किस वजह से, इसी नर्व्स की वजह से हम दांतों में पेन फील करते हैं। अगर हमारे दांतों में किसी तरह की तकलीफ हो जाए, किसी तरह की एबनॉर्मेलिटीज आ जाए, तो दांतों में जो पेन फील होती है इसी नर्व्स की वजह से। नेक्स्ट वन इज एट द बेस एंड अपर्चर प्रेजेंट थ्रू विच ब्लड कैपिलरीज एंड नर्व फाइबर्स एंटर द टीथ दैट इज एपिकल फोरमेन। हम क्या देख रहे हैं कि टीथ के बेस पर एक होल होती है, ठीक है, यहाँ पर एक होल होती है जिसके द्वारा ब्लड वेसल्स और नर्व्स अंदर जा रहे हैं। इस होल के द्वारा ही ब्लड वेसल्स और नर्व्स अंदर जा रहे हैं, ठीक है, तो इस होल को क्या कहते हैं, अपाइकल फोरामेन कहते हैं। इसी अपाइकल फोरामेन के द्वारा ब्लड वेसल्स और नर्व्स अंदर जाते हैं। हम लोगों ने इस पोर्शन को यानी क्राउन वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लिया। इसमें हम लोगों ने देखा एनामेल, डेंटाइन एंड ये पल्प कैविटीज, तो हमारे ये क्राउन वाले पोर्शन कंप्लीट हो गए। और नेक में क्या है, गम्स है जिसे जिंजीवा कहते हैं, और सेमेंटम। सेमेंटम क्या है, सेमेंटम इज अ बोन लाइक मिनरलाइज्ड टिश्यू लाइनिंग द डेंटाइन ऑफ द रूट दैट प्रोटेक्ट्स द रूट। सेमेंटम क्या है, बोन लाइक मिनरलाइज्ड टिश्यू है, दैट मीन्स कि यह हार्ड है बोन जैसी, और यह मिनरल की बनी हुई होती है, और यह डेंटाइन की लाइनिंग बनाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह डेंटाइन की लाइनिंग बना रही है, इसे ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, दिस इज सेमेंटम। यह क्या करी, डेंटाइन की लाइनिंग बना रही है ना। सेमेंटम जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यह सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर है। सीमेंट क्या करती है, ईंटों को दूसरे ईंट से जोड़ती है, और बीच में एक ईंट के ऊपर क्या करते हैं, ये जैसे एक ईंट है उसके ऊपर दूसरी ईंट लगाते हैं, और बीच वाले पोर्शन में क्या करते हैं, सीमेंट भर देते हैं। ये सीमेंटम जो है डेंटाइन को, यह बोन जो है जॉ बोन, इससे जोड़ने का काम करती है ना। जैसे दो ईंटों के बीच में सीमेंट रखा जाता है, उसी तरह से डेंटाइन और जॉ बोन के बीच में यह क्या है, सीमेंटम है, जो कि डेंटाइन को जॉ बोन से अटैच करती है। तो हमने क्या देखा कि सीमेंटम का क्या काम है, कि यह जॉ बोन से डेंटाइन को अटैच करती है, और यह रूट को प्रोटेक्ट करती है। इज अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यह कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई लेयर है। जैसा कि हम जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है कनेक्ट करना, तो इसका भी क्या काम है, तो यह भी क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है किसे, डेंटाइन को जॉ बोन से। नेक्स्ट इज द सेल्स प्रेजेंट हियर आर कॉल्ड सेमेंटोसाइट्स। इसमें जो सेल्स पाई जाती है उसे
क्या करते हैं, सेमेंटोसाइट्स के। नेक्स्ट वन इज गम, ऑल्सो कॉल्ड जिंजीवा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह क्या है, यह गम है, इसे जिंजीवा भी कहते हैं और इसे हिंदी में मसूड़ा भी कहते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इन द माउथ बट इज हार्ड टाइटली बॉन्डेड विथ बोन। यह क्या है, माउथ में सॉफ्ट टिश्यूज है लेकिन यह हार्ड होते हैं और यह बोन के साथ टाइटली जुड़े रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रूट। रूट हम क्या जानते हैं, जो अनसीन पोर्शन है, नेक से नीचे की पोर्शन जिसे हम देख नहीं पाते हैं उसे रूट कहते हैं। और ट्रू टीथ में यह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है, रूट कैनाल इज वाइड ओपन। ओपन टाइप में क्या होती है, रूट कैनाल इज वाइड ओपन बाय द एडिशन ऑफ न्यू लेयर्स ऑफ डेंटाइन मीनिंग इसमें टीथ होल लाइफ कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहती है। इसके एग्जाम्पल्स हो गए टस्क ऑफ एलिफेंट्स एंड इंसाइजर ऑफ रोडेंट्स। नेक्स्ट इज क्लोज टाइप, रूट कैनाल इज वेरी स्मॉल एंड सर्व्स ओनली फॉर पैसेज। रूट कैनाल क्या है, रूट कैनाल ये है जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स जाते हैं, ये रूट कैनाल है, ठीक है। रूट कैनाल के थ्रू ही नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स जो है वह पल्प कैविटी में एंटर करते हैं और उसी के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाते हैं और CO2 बाहर आते हैं एंड पल्प कैविटी को न्यूट्रिशन मिलती है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज टीथ की स्टडी कंप्लीट कर ली है। इसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टीथ देखे, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ देखे एंड फंक्शंस ऑफ टीथ देखे। अगली वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री ग्रंथ की स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगी वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।